हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं आप सभी का स्ट्रेट जीरो चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आर्ट एंड कल्चर सीरीज का फोर्थ लेक्चर लेकर आया हूं आपको। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लेक्चर की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा हो रही थी, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस लेक्चर को चार पार्ट्स में बनाऊंगा। जो चार अलग अलग टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे कि आपको पता है इसका टाइटल है कल्चरली इम्पोर्टेंट पर्सन्स ऑफ एमपी। तो कल्चरली इम्पोर्टेंट पर्सन्स में जैसे हम लोग किन किन को देखेंगे, म्यूजिशियंस हो गए, डांसर्स हो गए, लिटरेरी पर्सन्स हो गए, पेंटर हो गए, प्लस आर्टिस्ट। तो जो ये हैं, ये जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं एमपी की, मध्य प्रदेश की, तो इनको मैं आपको इन हर एक पर्सनैलिटी टाइप के ऊपर मैं एक एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा और ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं लेक्चर फोर के अंडर में ही आएंगे। तो दोस्तों आप इस हिसाब से इनको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े दोस्तों, उसमें लोगों ने अपने कंसर्न्स दिखाए कि सर आप प्लीज़ ये लेक्चर सीरीज को कंप्लीट कर दीजिए या इसको मेंस से पहले कंप्लीट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं ये जो लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ ये मोटिवेशन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ, ठीक है, हेल्प कर सकूँ। तो ये जो मेरा इनिशिएटिव है, ये सिर्फ मैं इसलिए रन कर रहा हूँ कि किसी की मदद हो सके, लेकिन ये किसी को हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता चलता। तो इस चीज को आप प्लीज मुझे बताइए अपने कमेंट के थ्रू, सजेशंस के थ्रू, मेल्स के थ्रू। और दूसरा कंसर्न, कुछ लोगों ने बोला है सर कि हमें पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, तो उनको मैं बता दूं, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए है इनका रिविजन के लिए, तो वो अपनी ईमेल आईडी मुझे मेल कर दें। जो मैं मेल आपको मेल आईडी शेयर करता हूँ ना आखिरी पे, आप उसमें अपनी ईमेल आईडी से मुझे कोई मेल कर दीजिए, मैं उस पर आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको हजार बार बता चुका हूं कि क्या कहते हैं, ये जो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज है ये एमपी पीएससी के एस्पायरेंट्स के लिए हेल्पफुल है, उनकी मदद के लिए मैं बना रहा हूं। और ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों ही लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। लोग बाग मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि सर ये प्री के लिए ही देखने हैं या मेंस के लिए ही देखने हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखिए प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाएंगे और जो मेंस होते हैं, इवन मेंस में भी एमपीपीएससी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आप पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस पेपर की एनालिसिस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसमें डायरेक्ट आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन तानसेन और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यू नो माखनलाल चतुर्वेदी। तीन मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उनमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप इन लेक्चर्स को देखिए और पूरे लेक्चर्स देखिए। मैंने ये सारे लेक्चर्स बड़े होलिस्टिकली बनाए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यूसली कि आप लोगों का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसको इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। तो अगर आपको भी कोई अगर सजेशंस वगैरह आते हैं तो आप प्लीज मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम दोस्तों आलोक गुप्ता है और यहां पे आप मेरे बारे में थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सिलेबस है प्रीलिम्स के पहले वाले पेपर का। प्रीलिम्स के सिलेबस में से अभी राइट नाउ हम ये वाला पोर्शन टारगेट कर रहे हैं, कल्चर ऑफ एमपी पे, ठीक है। ये सेकंड पेपर का सिलेबस है दोस्तों। ये जो लेक्चर सीरीज है दोस्तों, इसमें मैंने ये सारे पार्ट्स यहाँ पे शो कर रखे हैं कि किन किन पे मैं लेक्चर्स बनाऊंगा और किन पे मैं बना चुका हूँ। जैसे पॉलिटी की लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, वीरियस एक्ट्स एंड एमपी एट अ ग्लांस हमारा कंप्लीट हो चुका है। राइट, अभी जो हम लोग राइटली अभी टारगेट कर रहे हैं वो है आर्ट एंड कल्चर, जिसमें से मैं तीन वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ एंड दिस इज दी फोर्थ वीडियो, फोर्थ लेक्चर का ये फर्स्ट पार्ट है माइंडेड, ठीक है। इसके ऊपर मैं टोटल चार पार्ट बनाऊंगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इसके बाद आएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज कल्चरली इंपॉर्टेंट पर्सन्स ऑफ एमपी और आज हम जो टारगेट करेंगे वो है म्यूजिशियंस एंड डांसर्स ऑफ एमपी। शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि म्यूजिशियंस एंड डांसर, तो पहले सबसे पहले बात तो आप ये जान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वगैरह में बताया कि एमपी को क्या बोलते हैं, मिनी भारत भी बोलते हैं, ठीक है ना, मिनी भारत बोलते हैं, मिनी इंडिया बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, प्लस यहाँ का जो कल्चरल हेरिटेज है वो भी काफी बहुत ज्यादा यू नो प्रोफाउंड है। जैसे कि आप देख लीजिए, सांची स्तूपा यहाँ पे देखने को मिलता है हमें, है ना, फिर खजुराहो टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, फिर भीमबेटका का केव्स देखने को मिलती हैं। तो ये इसलिए ना, यहाँ जो मध्य प्रदेश है उसका ये जो कल्चरल स्पेस है, कल्चरल जो पिक्चर है वो काफी वाइड और ब्रॉड है, ठीक है। तो इसीलिए अब जो इसका जो आर्ट फॉर्म वगैरह हो गया है या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट यू नो लिटरेरी सोर्स वगैरह हो गए, उनको डेवलप करवाने में काफी पर्सनैलिटीज का हाथ है। और ये जो पर्सनैलिटीज हैं वो
कल्चरली तो इम्पोर्टेंट है ही है, प्लस हमारे एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए हमें इनको बारे में पढ़ना काफी जरूरी है। जैसे कुछ म्यूजिशियन और डांसर जैसे पंडित कृष्णा राव शंकर, ठीक है, ये और इनके जो फादर थे वो भी काफी फेमस म्यूजिशियन और डांसर्स में की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। फिर दूसरे हैं उस्ताद हाफिज अली खान, मियाँ तानसेन, उस्ताद अलाउद्दीन खान, उस्ताद आमिर खान, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले तो एक बार आपको ब्रीफ बता दिया कि किन किन म्यूजिशियन या डांसर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले तानसेन, अलाउद्दीन खान, शंकर राव पंडित, राजा भैया पूंछ वाले, उस्ताद हाफिज अली खान, कृष्णा राव पंडित, राजा चक्राधर सिंह, उस्ताद आमिर खान, कुमार गंधर्व, पंडित कार्तिक राम एंड अदर्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये इनकी डेटलाइन भी लिखी है, पर आपको ये डेटलाइन याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ट्रिवियल फैक्ट हो जाएगा और इतनी सारी डेट्स हो जाएंगी कि आप इनको याद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन डेट्स को बस आप देखते रहिए बार बार, और वो टाइम के साथ ना थोड़ा थोड़ा आपको अपने आप दिमाग में आ जाएगा, अदरवाइज इनसे आप ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्लस अगर क्वेश्चन आता भी है ना, तो आप उसका जो वर्थ निकालेंगे वो इतना ज्यादा यू नो कॉस्ट बेनिफिट नहीं है इसमें, तो इसलिए आप इनको इग्नोर ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है तानसेन के बारे में। तो तानसेन जो है उनके ऊपर जो भी उनकी जो सोर्सेज हैं जिससे उनके बारे में पता चल सके, वो तो इतने ज्यादा अभी अवेलेबल है नहीं, लेकिन जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं उसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि जो तानसेन जी थे, सबसे पहली बात तो वो अकबर के कोर्ट में एक पोएट थे, ठीक है, अकबर के कोर्ट में पोएट थे और उनको नवरत्ना की उपाधि मिल रखी थी, ठीक है। आपको देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो मैं आपको सारे फैक्ट बता रहा हूँ, लेकिन आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट हर म्यूजिशियन या पेंटर या पर्सनैलिटी के बारे में पता होने चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में वो पूछते हैं ना, तो एटलीस्ट आपको 4 से 5 फैक्ट पता होने चाहिए। उनके जो मार्किंग सिस्टम है वो 3 मार्कर्स और ऐसे कुछ मार्क्स के पेपर क्वेश्चन आते हैं, प्लस अभी तो प्रीलिम्स है नहीं, तो इसीलिए आपको बस मेन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एटलीस्ट आप 5 से 6 पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा सकें। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इनके लिए जो लिटरेरी सोर्स है वो इतने अवेलेबल है नहीं, ये कोर्ट पोएट थे, अकबर के जो मुगल एम्परर था ना अकबर, उसके कोर्ट पोएट थे, इनको नवरत्ना की उपाधि, मतलब जो 9 रत्न थे 9 अलग अलग डायमेंशन में, उनमें से एक ये थे, ठीक है, मियाँ तानसेन जी। प्लस इनको ये आउटस्टैंडिंग म्यूजिशियन और वोकलिस्ट थे। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था ग्वालियर में, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्वालियर घराना मैंने अभी लिख रखा है ना, तो ग्वालियर घराना से इनका रिलेशन है, प्लस ये ग्वालियर में ही पैदा हुए थे तो इसलिए वहां से इनका रिलेशन है। बचपन में इनका नाम था रामतनु पांडे, क्या नाम था, रामतनु पांडे, याद रखना रामतनु पांडे। प्लस इन्हें जो इनका जो टैलेंट है, इन्होंने म्यूजिक का जो टैलेंट है वो इन्होंने बचपन से ही दिखाना शुरू कर दिया था, और इन्हें जो टाइटल है तानसेन का, वैसे तो नाम इनका रामतनु था लेकिन जो टाइटल है तानसेन का वो दिया था ग्वालियर के राजा ने, ठीक है। और इनके जो मेंटर थे उनका नाम था मोहम्मद घौस, ठीक है, मोहम्मद घौस। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं, उसके बाद इन्होंने कोर्ट ज्वाइन किया, किनका, जो राजा थे रीवा के राजा थे उनका कोर्ट ज्वाइन किया, और फिर वहां से वो अकबर के कोर्ट में चले गए। अकबर के कोर्ट में उनको नवरत्ना की उपाधि मिली और इनको प्लस मियां का टाइटल भी दिया। तो आप देख रहे हो ना इनके नाम के आगे लिखा हुआ है मियां तानसेन, तो ये जो मियां का टाइटल है ये भी अकबर ने ही दिया था, प्लस ये नवरत्ना की कैटेगरी में भी इन्वॉल्व है। आगे चलते हैं। तानसेन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जब ये गाना गाते थे तो लैंप जलने लगते थे, बारिश होने लगती थी, तो इसी के बेसिस पे अलग अलग राग के नाम लिखे हुए हैं, दीपक राग हो गया, जैसे मेघ राग हो गया, ठीक है। प्लस ये जो क्या कहते हैं अकबर है, सॉरी अकबर बोल रहा हूं मैं, जो तानसेन जी हैं वो ध्रुपद जो सॉन्ग है, जैसे कि आपने अगर मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था ध्रुपद जो है एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की एक स्टाइल होती है, ठीक है, सॉन्ग्स की एक स्टाइल होती है ध्रुपद, और ये काफी रिलीजियस सॉन्ग होते हैं, तो इन्होंने एक्सेल कर रखा था ध्रुपद सॉन्ग्स में, ठीक है। प्लस इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी है म्यूजिक पे, जैसे जिनके नाम है संगीत सार, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, संगीत सार है, और दूसरी है आपकी राजमाला, संगीत सार और राजमाला इन्होंने लिख रखी है। प्लस इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट की भी क्रिएशन की थी जिसको हम लोग सरोद के नाम से जानते हैं, सरोद प्लेयर आपने सुना होगा ना, तो ये मैंने आपको यहाँ पे फोटो दिखा रखा है, ये सरोद का भी इन्होंने ही क्रिएशन किया था, और इनकी जो टॉम्ब है वो ग्वालियर में है, ठीक है। अब इतने बड़े ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं ऑनरेट करने के लिए तानसेन अवार्ड भी क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, और तानसेन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। एमपी गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है 1980 से, ये एमपी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि वो तानसेन अवार्ड को उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया, और ये म्यूजिशियंस को दिया जाता है, स्पेशली कौन से वाले म्यूजिशियन, जो हिंदुस्तानी म्यूजिक गाते हैं। दो टाइप के म्यूजिक होते हैं इंडिया में, एक हिंदुस्तानी और दूसरा क्या कहते हैं कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक है।
तो हिंदुस्तानी म्यूजिक के जो भी सिंगर्स वगैरह ये म्यूजिशियंस होते हैं उनको ये तानसेन अवार्ड मिलता है, हर साल ये दिया जाता है। और ऑर्गेनाइज कहाँ पे होता है, ये जो तानसेन, ये जो अवार्ड है वो तानसेन फेस्टिवल के टाइम पे दिए जाते हैं। ये तानसेन फेस्टिवल ग्वालियर में होता है जहाँ पे इनकी टॉम्ब है, और वो भी हर साल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, और तानसेन के बारे में तो याद रखना काफी जरूरी है, इसके ऊपर तो आप क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही कुछ पॉइंट है, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ग्वालियर घराना यानी ये ग्वालियर से रिलेटेड है, प्लस क्या कहते हैं इनको, मियाँ का जो टाइटल है वो अकबर ने दिया था, अकबर के पोएट में, अकबर के कोर्ट में ये पोएट थे, इनको नवरत्ना में भी इंक्लूड किया गया था, प्लस इनका बचपन का नाम रामतनु पांडे है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने जो एक्सेल कर रखा है वो ध्रुपद स्टाइल में कर रखा है, इन्होंने सरोद का क्रिएशन किया था, दो बुक भी लिखी है इन्होंने म्यूजिक के ऊपर, एक है राजमाला और एक है संगीत सार। इनकी ही ऑनर में एक तानसेन अवार्ड दिया जाता है हिंदुस्तानी म्यूजिशियंस को। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये जो अवार्ड है वो एमपी गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, तानसेन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ये हर साल सेलिब्रेट होता है और इनकी टॉम्ब के पास होता है। ठीक है, टॉम्ब इनकी ग्वालियर में है। दूसरे म्यूजिशियन पे आते हैं तो ये है अलाउद्दीन खान, यहाँ पे आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ये है अलाउद्दीन खान। सबसे पहली बात तो ये इनका जन्म, ये मतलब एमपी में ये पैदा नहीं हुए थे, तो ये फैक्ट याद रखना, ये पैदा हुए थे यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे ये फोटो में आप देख सकते हो, ये त्रिपुरा में इनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद त्रिपुरा में जन्म होने के बाद इन्होंने म्यूजिक्स में बचपन, जो म्यूजिक है उसमें बचपन से ही इनने अपना इंटरेस्ट दिखाया, और उसके बाद ये कलकत्ता वगैरह चले गए, वहां पे उन्होंने डिफरेंट गुरु से अपनी अपनी यू नो ट्रेनिंग वगैरह ली, इन्होंने सरोद बजाना सीखा बहुत सारे लोगों से, जैसे उस्ताद अली अहमद खान, उस्ताद बाजीर खान। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये वर्ल्ड में फेमस हुए बाबा के तौर पे, और मतलब क्या कहते हैं, वैसे तो ये जो वर्ल्ड में फेमस हुए वो स्पेशली हुए थे सरोद के लिए, आप देख सकते हो ये सरोद हाथ में लिए हुए, तो ये सरोद के लिए स्पेशली जाने जाते थे, लेकिन इनको सारे के सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो सारे बजाने आते थे। ठीक है, और प्लस इनको एक इनविटेशन मिला था कहां से, महाराजा ब्रिजनाथ से, महाराजा ब्रिजनाथ ने इनको इनविटेशन दिया था, तो ये मैहर आए और फिर वहां पे रहने लगे। ठीक है, इन्होंने ट्रेडिशन और इनोवेशन पे दोनों पे ही बहुत ज्यादा क्या कहते हैं स्ट्रेस किया है, कि आपको ट्रेडिशन को तो प्रिजर्व करना ही करना है, पर उसके साथ साथ इनोवेशन को भी इनकलकेट करना होगा। ठीक है, इन्होंने पूरा ग्लोब घूम रखा है और इसीलिए, और इसके बाद इनका नाम बाबा से ये फेमस हो गए बहुत ज्यादा। ठीक है, इन्होंने कुरान शरीफ और भगवत गीता दोनों ही पढ़ते थे, तो इससे ये समझ में आता है कि इनके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस कितनी है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो उस्ताद अलाउद्दीन खान है, इनका जन्म हुआ था त्रिपुरा में, इन्होंने फिर क्या कहते हैं अपनी ट्रेनिंग ली कलकत्ता वगैरह में, उसके बाद क्या कहते हैं ये जो है सरोद के बहुत ज्यादा मास्टर प्लेयर थे और वर्ल्ड फेमस थे फॉर सरोद प्लेइंग के लिए, लेकिन इनको सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजाने आते थे, और प्लस इनको महाराजा ब्रिजनाथ ने इनको इनविटेशन दिया, तो ये मैहर आए और मैहर में आके सेटल हुए, मैहर एमपी में। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने पूरा ग्लोब घूम रखा है, और ग्लोब में घूमते घूमते इनका जो नाम पड़ गया वो पड़ गया था बाबा। ठीक है, आगे चलते हैं, अलाउद्दीन खान के बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या कहते हैं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारी भूखमरी और बहुत सारी डिसीजेस वगैरह फैल गई, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, ऑर्फंड हो गए, तो इन्होंने क्या किया था, 28 बच्चों को एडॉप्ट किया, उनको ट्रेन किया म्यूजिक में, और उन्हीं जो ये वो जो म्यूजिक जो 28 बच्चों का बैंड बना उसी को बोलते हैं मैहर बैंड। यहाँ पे आप देख सकते हो मेंबर्स ऑफ मैहर बैंड, तो इनने एक तरीके से आप बोल सकते हो मैहर बैंड की स्थापना की। इनको कुछ टाइटल भी मिले, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आफ्तावे, तो यानी आफ्तावे हिंद, आफ्तावे का मतलब होता है सुल्तान हिंद। ठीक है, तो आफ्तावे हिंद का टाइटल मिला, भारत गौरव का इनको टाइटल मिला। इन पिक्चर के थ्रू आप इनको याद करने की कोशिश करना, भारत गौरव प्लस आफ्तावे हिंद का इनको टाइटल मिला। इनको जो सेंटर गवर्नमेंट है उन्होंने पद्म विभूषण और क्या कहते हैं पद्म भूषण का भी अवार्ड दे रखा है। ठीक है, प्लस अलाउद्दीन खान के नाम पे मतलब उनको ऑनर करने के लिए क्या कहते हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए उनके लिए एक संगीत एकेडमी भी बनाई गई 1979 में आफ्टर हिज डेथ। तो क्या कहते हैं एमपी गवर्नमेंट ने ये एकेडमी बना रखी है जहां पे क्या कहते हैं म्यूजिशियंस वगैरह स्टडी वगैरह करते हैं, और इनके अगर कुछ डिसाइपल्स देखें जो अपने आप में बहुत ज्यादा यू नो फेमस हैं, जैसे पंडित रविशंकर इनके स्टूडेंट थे जिनको भारत रत्न मिल रखा है, पन्ना लाल घोष
निखिल बैनर्जी और ज्योतिन भट्टाचार्य। तो बस आपको इतनी बातें मैंने बता दी हैं जिसमें से आप आराम से 6-7 लाइनें तो बड़े आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, इनका त्रिपुरा में जन्म हुआ, सरोद में इनने ट्रेनिंग ली, उसके बाद ये क्या कहते हैं ब्रजनाथ महाराज ने इनको बुलाया था, सरोद में इनने एक्सेलेंस कर रखा है, वैसे तो सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इनको बजाने आते हैं, इन्होंने पूरा ग्लोब घूम रखा है और बाबा के नाम से फेमस है। प्लस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने 28 बच्चों को गोद लिया और उनको म्यूजिक सिखाया, जिसके बाद मेहर बैंड की स्थापना हुई और इनको 2 खिताब यानी टाइटल भी मिल रखे हैं। ठीक है, पहला टाइटल है भारत गौरव और दूसरा है आफ्तावे हिंद। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 जो सिविलियन अवार्ड्स हैं, एक है पद्म विभूषण और दूसरा पद्म भूषण, वो दोनों दे रखे हैं। इनके लिए एमपी गवर्नमेंट ने इनके कमेमोरेशन के लिए अलाउद्दीन खान संगीत एकेडमी स्टैब्लिश की पोस्ट पोस्टपोमिशियसली, और इनके जो डिसाइपल्स हैं उनमें से कुछ नाम है जैसे रविशंकर, पन्नालाल घोष और बैनर्जी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तीसरे जो सबसे बड़े म्यूजिशियन या डांसर एमपी से बिलोंग करते हैं वो है शंकर राव पंडित। ठीक है, शंकर राव पंडित, इनका नाम आप याद रखना। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ग्वालियर में। आप ये पिक्चर से याद रख सकते हो, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था और बचपन से ही इनको इंटरेस्ट था। क्यों इंटरेस्ट आया इनको, क्योंकि इन्होंने एक उस टाइम के जो फेमस म्यूजिशियन होंगे उनका परफॉर्मेंस देख लिया था, उस्ताद हदू हसू खान। ठीक है, उस्ताद हदू हसू खान का ने जब वो देखा, क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस देखा, तो इनको भी म्यूजिक के लिए काफी इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो स्टार्टिंग में ही उन्होंने क्या कहते हैं अपनी म्यूजिक की जो एजुकेशन है वो ली बालकृष्ण भूबा से और फिर बाद में ली निसार हुसैन से, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। तो ठीक है, तो ये जो एक्सपर्ट है वो है ख्याल म्यूजिक में। अब आप पूछ सकते हैं सर ये ख्याल क्या है, ख्याल स्टाइल क्या है। जैसे कि मैंने आपको इतनी बार बताया है कि क्या कहते हैं जो म्यूजिक है इंडिया में, म्यूजिक को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मतलब जो क्लासिकल म्यूजिक है वो एक हिंदुस्तानी और दूसरा है कार्नेटिक। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसके 10 टाइप हैं, जैसे कि आपको एक तो मैं बता ही चुका हूं ध्रुपद, फिर दूसरा होता है ख्याल, है ना, फिर हो गया थुमरी, टप्पा, तो इस तरीके से करके बहुत सारे हैं। तो उन्हीं में से एक होता है ख्याल वाला स्टाइल। जैसे मैंने बताया था ध्रुपद स्टाइल जो होता है वो काफी रिलीजियस नेचर का होता है, ठीक है, लेकिन जो ख्याल वाला स्टाइल होता है, ख्याल वाला स्टाइल में क्या होती है, लव होता है, रोमांटिसिज्म होता है, उस टाइप का होता है। ठीक है, ये तो ये इन्होंने जो एक्सेलेंसी कर रखी थी वो किसमें कर रखी है, ख्याल म्यूजिक में कर रखी है। प्लस इनको प्रेसिडेंट मेडल भी मिल रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने प्रेसिडेंट मेडल को यहाँ पे इंक्लूड किया, तो इनको प्रेसिडेंट मेडल मिला हुआ है। प्लस इनके जो डिसाइपल हैं उनमें से उनके जो लड़के हैं, मतलब शंकर राव पंडित के, वो कृष्णा राव पंडित, वो उनके डिसाइपल है। आगे जाके उनका भी बहुत ज्यादा फेमस हुए वो म्यूजिक्स में। उसके अलावा और डिसाइपल अगर उनके देखें तो बहू साहेब जोशी, ये लिखे हुए हैं बहू साहेब जोशी, यहाँ पे देखिए, और फिर है काशीनाथ मूले, और इनको प्रेसिडेंट मेडल मिल रखा है। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखना, क्या ग्वालियर से है, ख्याल म्यूजिक में एक्सेलेंसी कर रखी है और प्रेसिडेंट मेडल मिल रखा है, और इनके जो डिसाइपल्स हैं उनमें से एक है कृष्णा राव पंडित जो उनकी बेटे ही हैं, और भाऊ साहेब जोशी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं कृष्णा राव पंडित। तो अभी मैंने आपको जब शंकर राव पंडित पढ़ाया था, ये देखिए शंकर राव पंडित पढ़ाए थे, तो ये उन्हीं के ही बेटे हैं जो काफी फेमस हुए। यहाँ पे आप इनकी पिक देख सकते हो, ये हैं आपके कृष्णा राव, सॉरी हाँ कृष्णा राव पंडित जी। ठीक है, और ये अब जैसे उनके पापा ग्वालियर से हैं तो ये भी ग्वालियर से ही होंगे, इसलिए ग्वालियर घराना से रिलेटेड हैं। ख्याल म्यूजिक में इन्होंने भी एक्सीलेंसी कर रखी है। प्लस इनको जो है ग्वालियर में सॉरी ये जो कोर्ट म्यूजिशियन एक और जो ग्वालियर के हैं, ये तो आपको पता होगा ग्वालियर में कौन है, क्या कहते हैं वो सिंधियास, राइट, सिंधियास है वहां पे, जो वहां के महाराजास वगैरह होते हैं, तो उनके जो पीछे का नाम है वो है सिंधिया। ठीक है, तो ये सिंधिया के जो कोर्ट था, यानी जो ग्वालियर के महाराजा हैं वहां पे, ये कोर्ट पोएट के तौर पे भी थे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है माधवराव सिंधिया को, देख के आपको याद आ जाएगा कि जो वहां के महाराजा हैं उनके लिए कोर्ट पोएट थे। ठीक है, चलिए अब डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ये ग्वालियर घराना से रिलेटेड है, ग्वालियर में पैदा हुए थे, अर्ली एजुकेशन म्यूजिक में इनकी इनके पापा ने करवाई, शंकर राव पंडित ने। ये वर्सटाइल म्यूजिशियन है। ख्याल, टप्पा और तराना, टप्पा और तराना भी हिंदुस्तानी म्यूजिक के ही टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ख्याल, टप्पा और तराना में इनने एक्सेलेंसी कर रखी है। प्लस इनको मास्टर ऑफ लयकारी बोला जाता है, मतलब ये लयकारी एक स्टाइल है म्यूजिक में, तो ये उसके मास्टर थे। ठीक है, लयकारी के मास्टर थे। और प्लस उसके अलावा जो आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जो माधवराव सिंधिया हैं उनके लिए कोर्ट म्यूजिशियन थे, तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कोर्ट म्यूजिशियन थे ग्वालियर में। इन्होंने एट ग्वालियर इटसेल्फ ही एस्टैब्लिश्ड गंधर्व महाविद्यालय, तो इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी अपने पापा की मेमोरी में। और क्या कहते हैं, इनका ख्याल वाली स्टाइल पे काफी ज्यादा ग्रेट होल्ड था। इन्होंने काफी म्यूजिक में बुक भी लिख रखी है, जैसे संगीत सरगम सार और संगीत प्रवेश,
संगीत अलाप सेंचुरी, ठीक है। तो चार पांच लाइनें फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में लिखना। ग्वालियर घराना से रिलेटेड थे ये क्या कहते हैं, शंकर राव पंडित के सन है और उन्हीं से ही स्टार्टिंग में चाइल्डहुड में उन्होंने म्यूजिक में एजुकेशन रिसीव की थी। प्लस इनका ख्याल वाली स्टाइल पे काफी होल्ड है, वरना उसके अलावा उनको टप्पा और तराना में भी अच्छा हैंड होल्डिंग है, ठीक है। लयकारी के इनको मास्टर बोला जाता था और उसके बाद माधवराव सिंधिया के कोर्ट में ये पोएट थे। आगे चलते हैं दोस्तों, कृष्णाराव पंडित के बारे में कुछ और जरूरी बातें। हाँ, और एक और बात याद और रखना कि इन्हें गंधर्व महाविद्यालय, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ पे आप ये फोटो देख सकते हो, ठीक है। इनको एक टाइटल भी मिल रखा है गायक शिरोमणि का, गायक शिरोमणि। तो जो ये गायक शिरोमणि का टाइटल है, इनको ऑल इंडिया कांग्रेस ने इनको अवार्ड किया था। इनको और भी टाइटल मिल रखे हैं जैसे संगीत शिरोमणि, ताल सम्राट, सुरबिला, संगीत रत्नाकर, गायन विशारद, ठीक है, और संगीत मार्तंड, गायन मारिषि। तो ये सारे इनको टाइटल मिल रखे हैं, यानी बस आप एक सिंपल लाइन लिख सकते हैं कि दैट ही रिसीव्ड सेवरल टाइटल्स इंक्लूडिंग गायक शिरोमणि और संगीत शिरोमणि, ठीक है। एमपी गवर्नमेंट ने इनको तानसेन अवार्ड भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तानसेन समारोह का अवार्ड है। प्लस क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, तानसेन अवार्ड कब दिए जाते हैं, जब तानसेन फेस्टिवल होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको पद्म भूषण भी दे रखा है, ठीक है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, राजा भैया पूंछ वाले, ठीक है, पहुंच वाले। तो जो राजा भैया हैं, इनका पहली बात तो मुझे फोटो नहीं मिला दोस्तों, मैंने काफी सर्च किया तो यहाँ पे मैंने गोविंदा का लगा रखा है, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा राजा भैया, अब गोविंदा एक बहुत अच्छे डांसर थे तो इसीलिए राजा भैया पहुंच वाले भी बहुत अच्छे डांसर हैं। प्लस इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, और क्या कहते हैं, इनका जब ये पैदा हुए थे तब इनका नाम था बालकृष्ण आनंद राव ऑप्टेकर, वॉज बोर्न इन ग्वालियर एज बालकृष्ण आनंद राव ऑप्टेकर। और इनका जो ये पीछे क्या कहते हैं पुंच लगा हुआ है ना, पुंच वाले, तो ये कहां से लगा, क्योंकि इनकी एक जागीर थी पुंच बुंदेलखंड में, जहां से इनका पुंच वाले नाम पड़ा गया, ठीक है। ये स्टूडेंट थे किनके, शंकर राव पंडित की, जो भी हमने देखा शंकर राव पंडित के जो स्टूडेंट है वो कौन है, राजा भैया पुंच वाले। और इन्होंने क्या कहते हैं अपनी जो म्यूजिक वगैरह की ट्रेनिंग है वो बॉम्बे वगैरह से ली है, ठीक है। इनने काफी कंट्रीब्यूशन लिखा, मतलब इनका काफी कंट्रीब्यूशन है म्यूजिकल टेक्स्ट वगैरह डेवलप करने में। एक इनका ऐसा टेक्स्ट है जिसका नाम है मालिका, मालिका, ठीक है, याद रखना। क्या कहते हैं, ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन दी म्यूजिकल टेक्स्ट मालिका, जो कि भाटखंडे ने लिखा है और जिसको गीता म्यूजिक बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मलिका, मलिका से याद आ जाएगा कि राजा भैया मलिका शेरावत के ऊपर, यू नो, यानी मलिका में जो है उनका उनका काफी कंट्रीब्यूशन है। और ये जो मलिका बुक है वो पूंछ वाले ने नहीं लिखी, याद रखना, वो लिखी किसने, भातखंडे, ठीक है, भातखंडे ने लिखी है, जिसमें उनका राजा भैया का काफी कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, राजा भैया का काफी कंट्रीब्यूशन था। मलिका नाम की बुक, मलिका नाम की जो बुक है उसको गीता ऑफ म्यूजिक माना जाता है, गीता ऑफ म्यूजिक, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने खुद भी खूब सारे टेक्स्ट लिखे हैं, जैसे कि तान मलिका, द्रुपद धमर, गायकी, थुमरी, तारंगिनी, संगीतोपासना, ठीक है, ओनली बुक ऑन स्ट्राइकिंगली डिफिकल्ट सिंगिंग स्टाइल। और ये फेमस किस लिए थे, तान के लिए, संगीतोपासना, थुमरी, तारंगिनी। और इनके जो बेटे हैं जिनका नाम है बाला साहेब पूंछ वाले, उनको तानसेन अवार्ड भी मिल रखा है, ठीक है। तो बस आपको क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, राजा भैया पूंछ वाले के पीछे जो पूंछ वाला उनका जो सरनेम है वो वहां से पढ़ा गया, क्योंकि बुंदेलखंड में उनकी एक जागीर थी जिसको पूंछ बोला जाता था, ठीक है। ये बुंदेलखंड में, आपको मैंने यहाँ पे फोटो इंक्लूड किया, बुंदेलखंड में उनकी जागीर थी जिससे उनका पीछे नाम का सरनेम आया। प्लस भातखंडे ने जो मालिका नाम की बुक लिख रखी है म्यूजिक के ऊपर, जो कि गीता मानी जाती है, उसमें इनका काफी कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट भी लिखे हैं, और जो उनके बेटे हैं उनको वो भी काफी फेमस म्यूजिशियन है। आगे चलते हैं, उस्ताद हाफिज अली खान पे आते हैं। उस्ताद हाफिज अली खान, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये उस्ताद हाफिज अली खान है। ये पहली बात तो आपको याद रखना है, ही इज द मास्टर ऑफ सरोद प्लेइंग, ठीक है, जो सरोद इंस्ट्रूमेंट है ये उसके मास्टर थे। और ये फिफ्थ जनरेशन डिसेंडेंट है किस घराना के, बंगस घराना, जो एक बंगस घराना है एमपी में जो कि सरोद प्लेयर के लिए जाना जाता है, तो ये उसके उसी से बिलोंग करते थे। तो किस घराना से बिलोंग करते हैं, बी ए एन जी ए एस, बंगस घराना,
किससे किस घराना से बिलोंग करते हैं, बंगस घराना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये अपनी लिरिकल ब्यूटी मतलब जो वर्डिंग होती है ना उसके लिए जाने जाते थे, और क्रिस्टल क्लियर टोन मतलब एक एक शब्द साफ साफ सुनाई देता था उसके लिए जाने जाते थे। किसके लिए? एक तो अपनी लिरिक्स के लिए जाने जाते थे और एक क्लैरिटी के लिए जाने जाते थे। याद रखना कौन? हाफिज अली खान। हाफिज अली खान अपने लिरिक्स और क्लैरिटी के लिए जाने जाते थे। ओकेशनली क्रिटिक को ऐसा लगता है कि जो खान की इमेजिनेशन है वो काफी मतलब काफी हद तक क्लोज है थुमरी के, मतलब थुमरी भी एक जैसे मैंने आपको बताया ना म्यूजिक स्टाइल है, तो ये लोबाओं का जो इनके क्रिटिक्स थे उनका ये कहना था कि ये थुमरी में ज्यादा है, मतलब क्लोज जो इनके गानों में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है वो थुमरी से ज्यादा देखने को मिलती है देन इन ध्रुपद, ठीक है। और हाफिज अली खान जो हैं वो क्या कहते हैं बड़े हुए एक सरोद प्लेयर की कम्युनिटी में, प्लस उसके अलावा ये भी बोला जाता है, ठीक है, तो पहली बात तो उनका जो जन्म हुआ वो सरोद प्लेयर कम्युनिटी के बीच में ही हुआ, लेकिन उन्होंने जो अपनी पढ़ाई वगैरह की है वो अपने कजिन अब्दुल्ला खान और बजीर खान ऑफ रामपुर से ली है, ठीक है। इन्होंने ध्रुपद और थुमरी दोनों में ही एक्सेल कर रखा है विद गणेश लाल मिश्रा एंड भैया गणपत राव। तो ये इतने ट्रिवियल नेम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि दैट ही ग्रू अप इन द कम्युनिटी ऑफ सरोद प्लेयर्स, लेटर ऑन ही रिसीव्ड हिज ट्रेनिंग फ्रॉम हिज क्या कहते हैं कजिन्स, राइट, उसके बाद ही लर्न्ड ध्रुपद अलोंग विद थुमरी, इतना याद रखना। ये कोर्ट म्यूजिशियन थे ग्वालियर महाराज के यहाँ पे, तो ये आप देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये फोटो है, तो ये इससे आपको याद रहेगा कि जो हाफिज अली खान थे ये क्या थे, उनके यहाँ पे कोर्ट म्यूजिशियन थे। प्लस इनको वाइस रॉय, जो आपको पता होगा इंडिया इंडिया वॉज रूल्ड बाय यानी ब्रिटिशर्स, तो उनके टाइम पे वाइस रॉय हुआ करते थे, ठीक है ना। तो जो ये वाइस रॉयज हैं उन्होंने भी इनको काफी यू नो अप्रिशिएट किया है, और किस चीज के लिए अप्रिशिएट किया है, उनका एक वो होगा मतलब एक कंपोजिशन है गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, तो उसके लिए उन्होंने काफी क्या कहते हैं अप्रिशिएट किया है वाइस रॉयज ने गॉड सेव द किंग। तो ये फोटो से याद रखना वाइस रॉय से इनका क्या रिलेशन है, कि वाइस रॉय ने इनको अप्रिशिएट किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहाँ कोर्ट म्यूजिशियन थे, कौन? हाफिज अली खान, याद रखना हाफिज अली खान। फिर उसके अलावा आपको और क्या याद रखना है कि जो महाराजा हैं ग्वालियर के, मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने इनको कुछ टाइटल दे रखे हैं, एक तो संगीत रत्नाकर का और दूसरा आफ्तावे सरोद मतलब सुल्तान ऑफ सरोद मतलब मास्टर ऑफ सरोद, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पद्म भूषण दे रखा है, पद्म भूषण दिया था, संगीत नाटक अकेडमी का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो भी इनको मिल रखा है, ठीक है। उसके बाद इनका एक डिस्टिंक्ट एक डिस्टिंग्विश्ड परफॉर्मेंस था कि इन्होंने सरोद प्ले किया था 5 घंटे लगातार इन कलकत्ता, 5 आवर्स लगातार, जिसके लिए लोगों ने इन्हें काफी सराहा है। और उसके अलावा बस इतना इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस्ताद हाफिज अली खान के बारे में आपको एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है ये बंगस घराना से बिलोंग करते थे, सरोद प्लेयर थे, ये अपनी लिरिकल ब्यूटी और क्लैरिटी के लिए जाने जाते थे। इनकी जो सिंगिंग स्टाइल है दैट वॉज क्लोज टू थुमरी देन टू ध्रुपद, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना ही ग्रू अमंग दी कम्युनिटी ऑफ सरोद प्लेयर, लेटर ऑन ही रिसीव्ड हिज म्यूजिक एजुकेशन एंड लेसन्स फ्रॉम हिज कजिन्स एज वेल एज यू नो कजिन्स एंड सम अदर फ्रेंड्स, ओके। उसके अलावा आप बोल सकते हो कि क्या कहते हैं ही एक्सेल और ही लर्न और या क्या कहते हैं ही डेवलप्ड हिज स्टाइल इन ध्रुपद एंड थुमरी। फिर उसके बाद ही वॉज द कोर्ट पोएट एट दी कोर्ट ऑफ यू नो महाराजा ऑफ ग्वालियर। उसके अलावा आपको याद रखना ही वॉज अप्रिशिएटेड बाई दी वाइस रॉय ऑफ इंडिया फॉर हिज कॉम्पोजिशन ऑफ गॉड सेव द किंग। अदर देन दैट यू नीड टू रिमेम्बर दैट दी जो क्या कहते हैं महाराजा ऑफ ग्वालियर हैं, महाराजा ऑफ ग्वालियर अवॉर्डेड हिम विद द टाइटल ऑफ संगीत रत्नाकर एंड आफ्तावे सरोद, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट अवॉर्डेड हिम पद्म भूषण एंड संगीत नाटक अकेडमी ऑल्सो अवॉर्डेड हिम। उसके बाद ही वॉज अ डिस्टिंक्ट प्लेयर और ही वॉज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर म्यूजिशियन फॉर प्लेइंग सरोद फॉर 5 आवर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं राजा चक्राधर सिंह। राजा चक्राधर सिंह थे ये एक तरीके से आप इनको कह सकते हो ही वॉज दी कल्चरल किंग, मतलब इन्होंने कल्चर के आस्पेक्ट के ऊपर इतना ज्यादा काम किया है कि भाई इनका तो क्या ही कहना, ठीक है। प्लस ये जो चक्राधर सिंह है ये कहाँ से बिलोंग करते थे, रायगढ़ से बिलोंग करते थे, याद रखना रायगढ़ से ये चक्राधर महाराज खड़े हैं और ये कहाँ पे हैं, रायगढ़ से थे, ठीक है, रायगढ़ से थे। सबसे डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है एक तो इनका कत्थक जो है, वैसे तो कत्थक जो डेवलप किया है वो बाजिद अली शाह ने किया है, लेकिन इसका प्रमोशन डेवलपमेंट फर्दर इंकरेजमेंट ये किसने किया है, वो किया है चक्राधर महाराज ने, ठीक है। कत्थक को इनने डेवलप नहीं किया, याद रखना कत्थक तो वैसे बाजिद अली शाह ने डेवलप किया है, ठीक है। बाजिद अली शाह
ने इस डांसिंग स्टाइल को डेवलप किया था, लेकिन इन्होंने इसके प्रमोशन में काफी मदद की है। ठीक है, तो डांस फॉर्म ऑफ रायगढ़ घराना है, विच इज सिमिलर टू कथक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहली बात तो, और ये मैंने तबला लिया है, तो ये यानी ये तबला प्लेयर थे बहुत बड़े, और इनको संगीत सम्राट के नाम से ये काफी फेमस थे। ठीक है, ये तो हो गई चार इंपॉर्टेंट बातें, अब डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात, तबला प्लेयर है बहुत बड़े, ठीक है, क्लियर। बहुत सारे ने म्यूजिक टेक्स्ट लिखे हैं, जैसे कि तलता यो निधि, क्या है फिर से बोल देता हूं, तल ता यो निधि, ठीक है, तलता यो निधि, राग रत्ना, मंजूसा, मंजूसा का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ रागास, और अगला जो है रायगढ़ किंग चराधर वॉज अ ग्रेट पेटर। अच्छा ये सॉरी ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, चक्राधर है ये, चक्राधर, ठीक है। तो ये इनके जो टेक्स्ट है उनके नाम प्लीज आप याद रखना, क्या क्या है, राग रत्ना, मंजूसा और तलत्या तलत्यो निधि, तलत्यो निधि, तलत्यो निधि, ठीक है। ये बहुत अच्छे, खुद ही एक बहुत अच्छे डांसर थे, और इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कथक। ही रोट द कंपोजिशन ऑफ नर्तन नर्तन सर्वंस सर्वस्व सर्वस्व नारता सर्वस्व नारता सर्वस्व, जो कि एक टेक्स्ट है कथक के ऊपर, ठीक है, जिसको पहला लिटरेरी टेक्स्ट माना जा सकता है कथक के ऊपर, उसका नाम क्या है, नर्तन सर्वस्व। अब आप इसमें प्री में भी इससे मतलब यू नो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्ट ये आ जाएगा, वो बोल देंगे दिस टेक्स्ट इज ऑन, और चार ऑप्शंस दिए होंगे कि कथक, सरोद प्लेइंग और म्यूजिक और डांस, समथिंग लाइक दैट। तो आपको फिर उसमें से चुनना होगा। तो याद रखना जो नर्तन सर्वस्व है वो किसने लिखा था, वो लिखा था आपके चक्राधर महाराज ने, ठीक है, चक्राधर महाराज ने लिखा है, और ये जो है पहला टेक्स्ट है ऑन डांस, कौन से वाले डांस, कथक डांस, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए कथक इज वन ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, मतलब टोटल क्लासिकल डांस इंडिया में कितने हैं, आठ, जिनमें से ये एक डांस है, ठीक है। हिज अदर कंपोजिशन मुजार बरना पुष्पाकर इज आल्सो फेमस, मतलब ये एक और कंपोजिशन है मुजार बरना पुष्पाकर। उसके अलावा इनके डिसाइपल का नाम है पंडित कार्तिक राम, और जो भी जो कि खुद भी बहुत ज्यादा यू नो फेमस थे, और इन्हीं के अंडर में जो रायगढ़ का घराना है, रायगढ़ घराना इज रिलेटेड टू कथक डांस, ठीक है। तो आपको क्या क्या बातें याद रखनी है चक्राधर महाराज के लिए, आपको याद रखना है कि पहली बात तो ये रायगढ़ से बिलोंग करते थे, तबला प्लेयर थे, इन्होंने कथक के डेवलपमेंट में काफी कंट्रीब्यूशन किया है, संगीत सम्राट से ये फेमस थे, प्लस इन्होंने कुछ टेक्स्ट भी लिखे हुए हैं। म्यूजिक में अगर इनके टेक्स्ट की बात की जाए तो जैसे सबसे सिंपल है मंजूसा, राग रत्ना, तलत्याओ निधि, ठीक है, तलत्याओ निधि। उसके अलावा जो इन्होंने क्या कहते हैं कथक के ऊपर एक टेक्स्ट लिख रखा है, यानी डांस के ऊपर एक टेक्स्ट लिख रखा है, वो है नर्तन सर्वस्व, और दूसरा है मुजर वर्मा बना पुष्पाकर, ठीक है। प्लस इनके डिसाइपल का नाम है पंडित कार्तिक राम, पंडित कार्तिक राम, डिसाइपल का मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इसके बाद क्या है, इन्हीं से रिलेटेड कुछ और फैक्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही अच्छे राइटर थे। अब आपको इतनी सारी बुक मैंने बता दी, राग रत्ना, मंजूसा, है ना, तलत्यो निधि, तो जब जो इंसान इतनी सारी बुकें लिखेगा तो इसका मतलब वो राइटर तो हो ही जाएगा, तो ही वॉज अ टैलेंटेड राइटर। प्लस इन्होंने क्या कहते हैं पेट्रोनेज प्रोग्राम भी चला रखा था। पेट्रोनेज प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि ये बहुत सारे पैसे आर्थिक मदद वगैरह करते थे जो भी आर्टिस्ट होते थे, डांसर्स होते थे, सिंगर्स होते थे, ठीक है। उसके अलावा आपको और क्या याद रखना है कि इन्होंने रायगढ़ को एक तरीके से कल्चरल कैपिटल के तौर पर डेवलप किया हुआ है, तो ये बात याद रखना, ही डिड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ रायगढ़ घराना एज वेल एज रायगढ़ एज अ प्लेस ऑफ पिलग्रमेज ऑफ म्यूजिक आर्ट एंड लिटरेचर। आप ये देख सकते हो पिलग्रमेज ऑफ म्यूजिक आर्ट एंड लिटरेचर, और इसीलिए इनके एफर्ट्स को क्या कहते हैं कमेमोरेट करने के लिए और इनको यू नो बहुत ज्यादा ऑनर फाइल करने के लिए एक फेस्टिवल भी बनाया जाता है, चक्राधर समारोह, याद रखना कौन सा, चक्राधर समारोह, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। तो ये देख सकते हो यहाँ पे डिटेल में, ये टैलेंटेड राइटर हैं, बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हैं इनको संस्कृत, उर्दू, हिंदी, ब्रिज, इंग्लिश, इन सब की बहुत सारी अच्छी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग थी। इनने रत्ना मंजूसा संस्कृत में लिखी हुई है, कनन इन ब्रिज में लिखी हुई है, जोश कारत एंड निगाहे उर्दू में लिख रखी हुई है, काफी पेट्रोनेज भी दी है, जैसे कि जयपाल महाराज, सुखदेव महाराज, सिंगर्स को भी पेट्रोनेज दिया हुआ है रामदास, और क्या कहते हैं तबला प्लेयर्स को भी इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन यानी पेट्रोनेज दे रखा है,
पेट्रोलेज का मतलब होता है आर्थिक मदद हो गया या फिर किसी भी टाइप की मदद देना, ठीक है। और इन्होंने रायगढ़ को अच्छा खासा डेवलप भी किया है। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, जो राजा चक्राधर है वो तबला प्लेयर थे, म्यूजिक टेक्स्ट लिखे हुए उन्होंने, जैसे तलतियों ने दी, राग रत्ना, मंजूसा, ठीक है। उसके अलावा इनको इन्होंने कथक के ऊपर लिख रखा है नार्थन सर्वस्व, जो कि सबसे पहला टेक्स्ट है, ठीक है, वेरी फर्स्ट लिटरेरी टेक्स्ट ऑन कथक। उसके अलावा इन्होंने रायगढ़ को कथक घराना को डेवलप किया। इनके डिसाइपल का नाम पंडित कार्तिक राम है, ठीक है, और ये संगीत सम्राट के नाम से फेमस थे। उसके अलावा ही वॉज अ टैलेंटेड राइटर, ही रोट सेवरल टेक्स्ट इन वेरियस लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, हिंदी, उर्दू, ब्रिज एंड इंग्लिश, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना, ही प्रोवाइडेड अ पेट्रोनेज टू वेरियस आर्टिस्ट, से डांसर्स, सिंगर्स एंड तबला प्लेयर्स, एज वेल एज ही वॉज यू नो डिस्टिंग्विश्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग दी रायगढ़ एज अ पिलग्रमेज ऑफ म्यूजिक आर्ट एंड लिटरेचर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ आगे चलते हैं, उस्ताद आमिर खान, अगेन ही इज अ यू नो ही इज अ म्यूजिशियन हु हेल्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में स्पेशली किससे रिलेटेड थे, इंदौर घराना है, यहाँ पे ये देख सकते हैं इंदौर घराना, और ये हैं आपके आमिर खान, ठीक है। आमिर खान जी जो थे वो इंदौर घराना से थे, याद रखना इंदौर घराना, ठीक है, इंदौर घराना से रिलेटेड है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि ये म्यूजिशियन है, ये तो मैं आपको बताई चुका हूँ ऑलरेडी, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने इनको पद्म भूषण से भी नवाजा है, मतलब इनको यू नो ऑनर किया है। प्लस इनका अगर हम सिंगिंग स्टाइल देखें तो इन्होंने ध्रुपद को ख्याल से मिला के, मतलब ध्रुपद एक रिलीजियस स्टाइल है और ख्याल को आप कह सकते हो सेक्युलर है, मतलब जो मतलब भगवान वगैरह से नहीं, बस सेक्युलर, जो नॉर्मल फीलिंग्स वगैरह है ना। वैसे मैं आपको बताता हूँ, ख्याल जो सिंगिंग स्टाइल है वो थोड़ी रोमांटिक और लवी डवी टाइप की सिंगिंग स्टाइल है, ठीक है। तो व्हाट ही डिड, ही अमलगमेटेड बोथ, मतलब स्पिरिचुअल फ्लेवर जो था ध्रुपद का उसको वो ख्याल में लेके आ गए थे और उन्होंने अपनी ही एक डिस्टिंक्ट स्टाइल को डेवलप कर दिया था, ठीक है। प्लस ये क्या कहते हैं, इन्होंने जो आमिर खान है इन्होंने काफी फिल्मों में भी गाने गाए हैं, जैसे कि बायजू बावरा, झनक झनक पायल बाजे, ये कुछ उनके सॉन्ग्स हैं जो कि अच्छे खासे फेमस हैं। प्लस इनके डिसाइपल्स की नाम बात की जाए तो अमरनाथ सिंह, मुकुंद गोस्वामी और कमला दास, ठीक है। आमिर खान को संगीत कला अकेडमी का भी अवार्ड मिला है और फिर पद्म भूषण जो मैंने आपको बताया वो भी मिल रखा है। प्लस आमिर खान समारोह हर साल होता है और वो कहाँ पे होता है, इंदौर में। अब ये इंदौर घराना से रिलेटेड है तो फिर इंदौर में ही होगा भाई समारोह, बड़ा इजी सी बात है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं आपको, इनसे क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, ही वाज हिल यू नो ही वाज अ म्यूजिशियन हु हेल्ड फ्रॉम द इंदौर घराना। सेकंड ऑफ ऑल, ही वाज अवार्डेड बाय द क्या कहते हैं पद्म भूषण बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड व्हाट ही डिड, ही ब्लेंडेड द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ध्रुपद विद द ख्याल स्टाइल एंड ही सिंग सॉन्ग इन सेवरल फिल्म्स, जैसे कि बायजू बावरा एंड झनक झनक पायल बाजी। His most of the important disciples, some of the most important disciples were Amarnath Singh, Mukund Goswami and Kamala Das. Okay, other than this, what is the important fact that he received the highest award from the Sangeet Kala Academy as well as he received Padam Bhushan. Okay, and there and you know, in order to commemorate him, MP government organized Amir Khan Samaroh every year and that is organized in Indore. ये देखिए, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। वो ये पूछ सकते हैं कि क्या कहते हैं, आमिर खान समारोह इज सेलिब्रेटेड इन विच यू नो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी और इन विच दैट ऑफ एमपी। तो प्लीज आप इन सब चीजों को दिमाग में रखना। चलिए आगे चलते हैं, कुमार गंधर्व के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कुमार गंधर्व जो है, पहली बात तो इनका जो एक और नाम है वो क्या है, शिव पुत्र सिधानप्पा कोनकाली, ठीक है, शिव पुत्र सिधानप्पा कोनकाली, और ये हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं। नाउ इज इट इजी, हिंदुस्तानी मतलब इंडिया के जो दो म्यूजिक हैं, क्लासिक म्यूजिक हैं, वो दो टाइप के हैं, उनमें से एक टाइप का हिंदुस्तानी म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ में मैक्सिमम टाइम पे गाया जाता है, ये जो नॉर्थ वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ पे जो सिंग होता है उसको बोलते हैं हिंदुस्तानी, ठीक है। तो ये हिंदुस्तानी के बहुत अच्छे सिंगर थे, वोकल स्टाइल इनका खुद का ही जो वोकल स्टाइल था वो काफी यूनिक था, ठीक है। उसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि ये इनका जो जन्म हुआ था वो सलवनी विलेज में हुआ था, कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में। तो आप ये याद रखना, ही वॉज नॉट बॉर्न इन एमपी बट ही वॉज लेटर शिफ्टेड टू एमपी,
और वो भी कहाँ पे शिफ्ट हुए थे, ये आ गए थे देवास में। देवास कहाँ है, मालवा रीजन में। तो ये यहाँ से सीधे आए एमपी में मालवा रीजन में, और वहां पे आके जो मालवी कल्चर था, मालवी म्यूजिक था, उसमें उन्हें काफी इंटरेस्ट आया और उसके बाद उन्होंने उसको डेवलप किया। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस कुमार गंधर्व। कुछ और भी फैक्ट हैं इनसे रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, कुमार गंधर्व की फोटो आगे वाली स्लाइड में इंक्लूड नहीं की थी, ये रहे आपके कुमार गंधर्व जी। ठीक है, कुमार गंधर्व जी को पता है किससे कंपेयर किया जाता है, संत कबीर से। मतलब उनके जो गाने हैं म्यूजिक वर्ल्ड में, इनको कबीर ऑफ म्यूजिक वर्ल्ड बोला जाता है। तो याद रखना है, ही वॉज नोन एज द कबीर ऑफ द म्यूजिक वर्ल्ड। ये फैक्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको याद रखना। ठीक है, प्लस इन्होंने कुछ नए राग बनाए हैं, मतलब कहां से बनाए हैं, ओल्ड राग को कंबाइन करके। और जैसे कि उनमें से कुछ राग का नाम है, अही मोहिनी, सहेली, भैरव, लागन, है ना, लगन लगन लग गई रे लगन, तो उस टाइप का। इन्होंने कम से कम 400 से ज्यादा गाने लिखेंगे लिखे हुए हैं, और प्लस इन्होंने जो इनके गाने हैं उसकी बुक का नाम है, मतलब उसमें उन सारे गानों को का कलेक्शन बना दिया, और उस बुक का नाम है अनूप राग विलास, अनूप राग विलास। ठीक है, याद रखोगे अनूप राग विलास, प्लीज इस बात को याद रखना। अच्छा, फिर आगे चल लेते हैं। ही वॉज गिवन कालिदास सम्मान बाय द एमपी गवर्नमेंट। इनको कालिदास सम्मान मिल रखा है, पद्म विभूषण मिल रखा है, और क्या कहते हैं, संगीत नाटक अकेडमी का भी अवार्ड मिल रखा है। प्लस अमृत फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज होता है देवास में, वो इन्हीं की मेमोरी में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना अमृत फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, देवास में होता है। किसकी मेमोरी में होता है, कुमार गंधर्व की मेमोरी में होता है। प्लस एमपी गवर्नमेंट ने जस्ट टू कमेमोरेट हिज एफर्ट्स, और जस्ट टू यू नो अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स, व्हाट दे ऑर्गेनाइज्ड और इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड, कुमार गंधर्व अवार्ड इन हिज मेमोरी। सो दिस वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। आपको एक बार रिविजन करवा देता हूँ, कुमार गंधर्व ही वॉज यू नो वेलवर्स इन द हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक, ही वॉज नॉट बाउंडेड बाई एनी घरानास, एंड ही डेवलप्ड हिज ओन स्टाइल। ओके, ही हेल्ड फ्रॉम कर्नाटका, बट लेटर ऑन ही शिफ्टेड टू देवास इन मालवा रीजन, वेर ही गेट इन्फ्लुएंस्ड और गेट इंटरेस्टेड इन टू द मालवा फोक म्यूजिक। ठीक है, इन मालवा का जो फोक म्यूजिक है, ही गॉट इंटरेस्टेड इन द मालवा फोक म्यूजिक। ठीक है, और उसके अलावा आपको और क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, बिकॉज ऑफ हिज यू नो डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, ही वॉज कंपेयर्ड एज अ कबीर ऑफ म्यूजिक वर्ल्ड। उसके बाद ही रोट अराउंड 400 सॉन्ग्स, ओके, ही कंपोज 400 सॉन्ग्स, एंड द कंपाइलेशन ऑफ दो सॉन्ग्स इज इन अ बुक विच इज नोन एज अनूप राग विलास, अनूप राग विलास। ही रिसीव सेवरल अवार्ड्स लाइक कालिदास सम्मान, पद्म विभूषण, एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन हिज मेमोरी। इन हिज मेमोरी एमपी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूटेड यू नो इंस्टीट्यूटेड कुमार गंधर्व अवार्ड, एज वेल एज देयर इज अ फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन हिज मेमोरी, दैट इज अमृत फेस्टिवल, अमृत फेस्टिवल, एंड दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन दिवाली। आई होप नाउ इज इट क्लियर टू यू। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। अच्छा, पंडित कार्तिक राम, पंडित जो कार्तिक राम है, आपको सबसे पहली बात तो ये बताओ मुझे कि मैंने अभी पंडित कार्तिक राम का कहीं पे नाम लिया था, ये किसी के डिसाइपल थे, आप बता दो किसके। अच्छा चलो, फोटो लगा हुआ है तो उसी से याद आ जाएगा यार, चक्राधर महाराज के जो हैं ये उनके डिसाइपल थे। ठीक है, महाराज चक्राधर महाराज से इन्होंने डांसिंग में ट्रेनिंग वगैरह ली थी, जब ये बचपन में छोटे ही थे ना तभी से ये डांस करते थे, तो चक्राधर महाराज ने इनको देखा और उन्होंने इनको ट्रेनिंग दी। ठीक है, पेट्रोनेज प्रोवाइड किया, आप देख सकते हो, चक्राधर महाराज ने इनको देखा और वो इम्प्रेस हो गए, उन्होंने इनको पेट्रोनेज दिया और इनको कथक का बहुत बड़ा डांसर बना दिया। ये यहाँ पे ये पूरा रिलेशन है। ठीक है, जो इनके फादर थे इनिशियली, पहले इनको ये कथक नहीं आता था, क्या कहते हैं, इनके फादर जो हैं स्टार्टिंग में उन्होंने इनको छत्तीसगढ़ी डांस में ट्रेनिंग दी थी, और छत्तीसगढ़ी डांस है एक घमात, तो याद रखना पहली बात तो ये कि जो घमात है वो छत्तीसगढ़ी डांस है, और इनको उसमें ट्रेनिंग दी थी स्टार्टिंग में, फिर बाद में ये कथक सीखे। जो कार्तिक राम है उनकी टीम थी, उस टीम में और कौन कौन थे, कल्याण दास भी थे, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड फेम, तो आप यहाँ पे देख रहे हो दो लोग हैं, तो यानी इनकी टीम है, इससे याद रखना, इनकी एक टीम थी जिसको वर्ल्ड वाइड फेम मिला कथक में, स्पेशली रायगढ़ घराना का जो कथक है। और क्या कहते हैं, इसके अलावा क्या कहते हैं, जो कार्तिक राम है वो वॉज ऑल्सो अ गुड भजन गजल तुमरी सिंगर, तो मतलब वो डांस तो करते ही करते थे, उसके संग सिंग भी करते थे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा चलो, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। पंडित कार्तिक राम जो हैं वो बिलासपुर है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ में पैदा हुए थे, और स्टार्टिंग में उनके पापा ने उनके इंटरेस्ट को देखते हुए पहले उन्हें छत्तीसगढ़ी डांस में क्या कहते ट्रेनिंग करवाया, लेकिन बाद में जब क्या हुआ कि क्या कहते चक्राधर महाराज ने उनको देखा तो वो काफी इंटरेस्टेड हो गए, और उन्होंने उनको पेट्रोनेज प्रोवाइड किया और कथक डांस की ट्रेनिंग दी। बाद में उन्होंने अपनी टीम बनाई उन्होंने कल्याण दास के साथ, और उनको वर्ल्ड वाइड फेम मिला।
डांसर होते हुए भी वो ही वॉज अ वेरी गुड क्या कहते हैं सिंगर, ही वॉज गुड इन भजन गजल ठुमरी। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। नाउ दीज आर सम ऑफ द म्यूजिशियंस एंड डांसर्स ऑफ एमपी विच आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे बस इनके छोटे छोटे स्टेंजाज हैं, आपको एक एक दो दो लाइनें इनके बारे में पता होनी चाहिए। ओम प्रकाश चौरसिया, ठीक है तो ये संतूर प्लेयर है। क्या है ये? संतूर प्लेयर, यानी एक म्यूजिशियन है संतूर प्लेयर, ये संतूर इसको कहते हैं याद रखना। तो ये संतूर प्लेयर है बहुत अच्छे। कौन? ओम प्रकाश चौरसिया। जयाउद्दीन डग्गर, जयाउद्दीन डग्गर जो है वो ध्रुपद सिंगर है। ठीक है जयाउद्दीन डग्गर, ये डी से याद रखना, डी फॉर डग्गर, डी फॉर ध्रुपद, तो ये वो है। और क्या कहते हैं, ये काफी कंट्री भी घूमे हुए हैं जैसे कि यूएस, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, स्वीडन, कनाडा। उस्ताद अमजद अली खान, ये है आपके उस्ताद अमजद अली खान, आप देख रहे हो। ये एक्चुअली क्या है, ये काफी ज्यादा फेमस है इनके किसके लिए, सरोद प्लेइंग के लिए। प्लस खान ने जो अपना पहला सोलो परफॉर्मेंस किया था वो किया था 12 साल की उम्र में। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये 12 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहली बार अपना परफॉर्मेंस किया था। तो कौन है? उस्ताद अमजद अली खान। ही वॉज अ म्यूजिशियन हु हेल्ड फ्रॉम एमपी एंड ही वॉज अ ग्रेट सरोद प्लेयर। ठीक है उस्ताद अमजद अली खान सरोद प्लेयर। फिर बेगम असगारी बाय, बेगम असगारी बाई जो है वो एक क्लासिकल सिंगर हैं और जिनको तानसेन अवार्ड, शिखर सम्मान और पद्मश्री मिल रखा है। ठीक है होप इट इज क्लियर। एक बार नाम बार में दोबारा पढ़ देता हूं, ओम प्रकाश चौरसिया, जयाउद्दीन डग्गर, उस्ताद अमजद अली खान, बेगम असगारी बाई। ठीक है दोस्तों, अब ये जितने भी इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस थे वो तो कवर हो गए। मैं यहाँ पे ये सारे यू नो समराइज कर रखे हैं सो दैट आप फिल्म के टाइम पे जब भी आप करेंगे तो जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं इनको। प्लस अभी भी आपको क्या क्या पढ़ा है वो एक बार फिर से याद आ जाएगा। ठीक है तो तानसेन, नवरत्ना ऑफ अकबर, ध्रुपद और सरोद में इनका नाम है, ग्वालियर से हेल करते थे। अलाउद्दीन खान, महियार बैंड बनाया था, 28 बच्चे, वर्ल्ड वॉर, सब कुछ याद आ गया राइट। तो इन्होंने सरोद ये बजाते थे, वरना इनको बजाने तो सारे इंस्ट्रूमेंट आते थे, प्लस बाबा के नाम से ये फेमस थे राइट। इनको मैयार बैंड का इनने स्थापना की थी उसके लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। फिर अलाउद्दीन खान अकेडमी हो गई है ना, तो वो भी है। शंकर राव पंडित जो हैं वो ग्वालियर से हैं, ख्याल में उन्होंने बहुत ज्यादा यू नो डेवलपमेंट करवाया है, मतलब यानी इनकरेजमेंट किया है ख्याल को। प्लस इनको प्रेसिडेंट मेडल मिल रखा था, इन्हीं के बेटे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कृष्णा राव पंडित, ये रहे जो ग्वालियर से ही थे, ख्याल था, और गायक शिरोमणि का इनको टाइटल मिल रखा है। इन्होंने कुमार गंधर्व के नाम का विश्वविद्यालय भी बनाया है अपने पापा की मेमोरी में। ठीक है ना। राजा भैया पूंछ वाले, ये ग्वालियर से ही है। तान और थुमरी इन्होंने क्या कहते हैं, ग्वालियर से हैं। तान और थुमरी में इन्होंने काफी ज्यादा यू नो एक्सीलेंसी पा रखी थी। प्लस इन्होंने तान मलिका जो है किताब लिख रखी है, और जो एक मलिका थी जो हमने भातखंडे ने लिखी हुई है उसमें भी इन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है। उस्ताद हाफिज अली खान, ये ग्वालियर से थे, सरोद प्लेइंग के लिए जाने जाते थे, और इनको आफ्ताबे सरोद का भी टाइटल मिल रखा था। राजा चक्राधर सिंह आपको बहुत अच्छे से याद है, तबला, कथक, रायगढ़, फाउंडर ऑफ रायगढ़ घराना। ठीक है ना। आमिर खान इंदौर से थे। आमिर खान कहाँ पे है? इंदौर में है, यूनिक स्टाइल डेवलप की और फाउंडर थे इंदौर घराना के, उस्ताद आमिर खान। कुमार गंधर्व, ये देवास में से हेल करते थे, हेल नहीं करते थे, देवास में तो सेटल हुए थे। कुमार गंधर्व जी जो थे वो कर्नाटका में पैदा हुए थे, बाद में देवास आ गए थे, और फिर वहां पे ये मालवी फोक म्यूजिक वगैरह से इंप्रेस हुए, अपना खुद का यूनिक स्टाइल डेवलप किया और कबीर रॉक म्यूजिक वर्ल्ड के नाम से जाना जाते हैं, है ना। फिर इनके 400 सॉन्ग्स और दुनिया भर की बातें राइट। पंडित कार्तिक राम बिलासपुर से थे, और ये बहुत अच्छे क्या कहते हैं, पहले स्टार्टिंग में घमत में डांस करते थे, फिर उसके बाद इन्होंने कथक में अपनी बहुत ज्यादा एक्सेलेंसी प्रोवाइड की। ये डिसाइपल थे चक्राधर महाराज के, वर्ल्ड फेम मिला इनको। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, उम्मीद करता हूँ दोस्तों पसंद आया होगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। दोस्तों जितने भी फैक्ट्स फिगर मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं वो मैंने इन तीन बुक से किए हैं। अगर आपको कहीं पे डाउट आता है या फिर आप क्रॉस रेफरेंस करना चाहते हैं तो आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज अपने रिस्पॉन्सेज को रजिस्टर करो दोस्तों, लिंक कर यू नो लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, और अगर आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी आती है आइदर रिलेटेड टू दिस यू नो दिस पर्टिकुलर लेक्चर या फिर किसी और लेक्चर के रिगार्डिंग में, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकती करके पूछ सकते हो। अच्छा एक और बात दोस्तों, प्लीज आपका भी एग्जाम आने वाला है 23 जून को, तो आप अपना
अपना टाइम जो है फालतू में कमेंट कमेंट करके या और फालतू की बातें करके वेस्ट ना करें। सिर्फ और सिर्फ आप जो भी आप अपना इफेक्ट इतना ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट टाइम है उसको सही कामों में ही यूज करें। प्लस अगर आप चाहते हैं अच्छा सा अच्छा स्कोर आए तो आप इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना दोस्तों, ठीक है, बैक टू बैक, सो दैट जो हर पर्टिकुलर नाम है पिक्चर है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन अलविदा, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जाम्स, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।